हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सुनील लालजानी और आप सभी का स्वागत है एसआर लालजानी व्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं करने वाला हूं प्रैंक मेरी वाइफ पर। मैं करने वाला हूं चुगली मेरी माँ के साथ, पर कुछ रियलिटी नहीं है। मैं कॉल वगैरह नहीं लगाने वाला हूं, सिर्फ ऐसे ही रिएक्ट करूंगा कि मैं मेरी माँ के साथ बात कर रहा हूं और मेरी वाइफ बैठी है हॉल में, क्या कर रही है चल के देखते हैं। और मेरी वाइफ का मैं ध्यान भटकाऊंगा और उसका ध्यान मेरे ऊपर जाए। जो बातें मैं कर रहा हूँ मेरी माँ के साथ वो उसको सुनने में आए, तो ऐसा कुछ करने वाला हूँ और उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी दिलवाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बीवी क्या कर रही है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने और मैंने देखा, मेरी वाइफ किताब लेके बैठी है, ठीक है। तो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ फेक कॉलिंग मेरी माँ के साथ। मेरी माँ के साथ मैं चुगली करने वाला हूँ। मैं रियल में कॉल लगाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ ऐसे ही बात करूंगा जैसे कि मेरी आवाज़ जो है मेरे वाइफ के कानों तक पहुंचे और वो रिएक्ट करे और अपना। हेलो। हाँ मम्मी, कैसी है तू? ठीक है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ, चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। अच्छा सुन यार, एक बात कहनी थी मुझे, बहुत टाइम से मेरे मन में चल रही थी। हाँ सोच रहा था बताऊँ कि नहीं बताऊँ, पर आज सोच लिया कि बता ही दूँ। यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है शादी करके, सच में यार मैं दुखी हो गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया हूँ। ओह नो। अरे नहीं यार, टाइम पर खाना नहीं मिलता, और खाना मिलता है तो अच्छे से नहीं मिलता है। तू जैसे बना के देती थी वैसा नहीं मिलता है। कभी रोटी आधी कच्ची, कभी ठीक ठाक सब्जी भी, कभी पानी वाली, कभी तेल ज़्यादा, कभी नमक कम। सच में यार, और हर एक बात पूछना होता है, क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, बाहर जाओ तो 10 सवाल करो। मुझे मज़ा नहीं आ रहा यार शादी करने, किसी को शादी करनी नहीं चाहिए। तू आके समझा यार, सच में यार मेरे समझ के तो बाहर है, क्योंकि मेरे को हर एक सवाल करके इरिटेट कर रही है। हाँ क्या करूँ बता, मैं तो सच में यार दुखी हूँ, मुझे कंटाड़ आ रहा है शादी के बाद। तो कमाना रहना चाहिए पर शादी नहीं करनी चाहिए, सही कह रहा हूँ? नहीं यार, बाहर भी जाओ तो 10 बार फोन करेगी, पूछेगी कहाँ पर है, क्या कर रहे हो, कितने बजे घर पर आ रहे हो। इंसान को आज़ादी होनी चाहिए इस तरह से सवाल करके तंग नहीं करने का, मैं तो करता नहीं हूँ। हेलो। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो बोलूँ किसी भी इंसान को, मतलब किसी भी मेल बंदे को तो शादी करनी नहीं चाहिए। शादी करना मतलब टाइम वेस्ट किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज़ादी होनी चाहिए दोनों तरफ से, लड़का भी कुछ ना बोले, लड़की भी कुछ ना बोले, पर जो सुना था बड़े लोगों के मुंह से वो सच ही निकला। ठीक है, अभी क्या करूँ, निभाना तो पड़ेगा। हाँ नहीं यार, मतलब मैं इतना कुछ सवाल करता नहीं हूँ, वही सवाल कर करके इरिटेट करती है, तंग करती है। खाने खाने के लिए कुछ बोलो, अच्छा नहीं बनाया तो बोलेगी अच्छा बनाया, आपको पता नहीं चलता। मुझे पता, टेस्ट मुझे नहीं आ रहा तो मैं कहूंगा ना उसको, टेस्ट ही नहीं आएगा खाने में तो उसको बताऊंगी नहीं कि अच्छा नहीं बनाया आज। और बैठा हूँ दोस्तों के साथ, उधर को फोन करती है, उधर ही सवाल करती है कब आओगी। अब दोस्तों के सामने मैं उसको टाइम दूँ क्या? कर क्या क्या कर। चलो ठीक है, मैं रखता हूँ। ओके क्वेश्चन सुनो, फोन पे किसके साथ बात कर रहा था। साथ बात कर रहा था? मम्मी की ना, फोन पे बस तो क्या बात कर रहे थे तुम? हाल चाल पूछ रहा था। हाल चाल हाँ मतलब क्या, बता तो सही। जैसे कि हाल चाल नहीं पूछते हैं क्या घर वाले एक दूसरे के साथ? बस वही पूछ रहा था, क्या हुआ? मैंने तो कुछ और ही सुना क्या सुना? कि भाई खाना नहीं मिल रहा है, मतलब स्वादिष्ट खाना नहीं मिल रहा है, अरे और बड़े नहीं, लोगों ने बताया था कि भाई शादी नहीं करने की। ऐसे कौन सा बड़ा लोग है, बता तो सही, कौन है वो? मैंने थोड़ी ऐसा कुछ कहा है, कुछ अलग ही सुनती है तू। इधर से मैं पूरा सुन रही थी, क्या सुना तूने? यही जब मैं बोली। क्या बोला मैंने? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है,
तेरे कान बज रहे हैं, मैंने तो बस खाली मम्मी ने पूछा खाना वाना खाया, कौन सी लाइफ तंग हो गई तेरी बता तो सही, कौन सी लाइफ, मेरी कोई लाइफ तंग नहीं हुई है, सब अच्छा चल रहा है। वो अपनी माँ को कंप्लेन कर रहे थे, तेरे को समझ नहीं पड़ती, वो पूछ रहा मम्मी से फोन करके, मैं क्यों बोलूं, मैं पूछूं, मैंने अपने कानों से स्पष्ट सुना है बिल्कुल एकदम। तेरी गलत फहमी है, तू एक काम कर, मम्मी को फोन लगा, वो तुझे क्लियरिफाई करेगी, तेरी कोई बुराई नहीं कर रहा था मैं, समझी, तेरी मम्मी है, मेरी मतलब सास है, तो ऑब्वियसली तेरा ही साथ देगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो सच का साथ देगी, तू फोन करके पूछ ले, ठीक है ना, ऐसा और तू तू गलत गलत मत सोच, मैं तेरे लिए ऐसा कुछ गलत नहीं हूँ, तू मेरे पे हो रहा है, चल रहा है फालतू में, मैं चलती तेरी है, समझ रहे है तू, मैं अच्छे से किताब पढ़ रही हूँ, तू चुगली मार रहे है अपनी माँ को, शर्म नहीं आती इधर, किस बात, अरे मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, और तू मेरे को ऐसा क्यों कह रही है कि शर्म नहीं आ रही है, मैंने कुछ गलत कहा नहीं है, अच्छे से खाना खिलाती हूँ, सब खिलाती हूँ, फिर भी ऐसा बोल बोल कर रहे है तू, अरे मस्ती खिलाती है खाना, तू टेंशन क्यों कर रही है, मैंने थोड़ी कुछ बोला है, मैंने तेरे को अभी तक कुछ बोला है क्या, माँ के पास बोलता है फोन पे, जैसे फोन पता ही नहीं चलता है, पागल है क्या मैं, अरे फोन पर मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, क्यों तू ऐसा क्यों रिएक्शन देती है, और पढ़ाई कर रही तो पढ़ाई पर ध्यान देना अच्छे से, मैं पढ़ाई कर रही थी लेकिन तेरी बातें मेरे कान तक गई पूरी, इसके लिए मैं आई, नहीं तो मैं ऐसे सुनती भी नहीं, तो गुस्सा मत हो, तू अच्छी लड़की है, तू जा पढ़ाई कर, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, सिर्फ हालचाल पूछा है बस, और तेरे बारे में बुराई क्यों करूंगा, तू अच्छा खाना बनाती है और क्या तकलीफ, अपनी माँ को क्यों बोला, मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा, तू थोड़ा गलत सुन रही है, मिस खाना नहीं देती, पूछ पूछ करती, क्या पूछूं नहीं तेरे को, हाँ कब जाता है कब आता है मेरे को बताना, पूछना भी ये मतलब गलत हो गया, तू फिर आएगा 10 बजे, हाँ टाइम है तेरा ड्यूटी का 7 बजे, तो मैं पूछू भी नहीं कि समझने में तुझे थोड़ी गलती हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो कर मत, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, मैंने अपने कानों से, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और कुछ तकलीफ नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है अच्छे से, और तू हंस भी रहा है, मतलब तेरे में ही खोट है, मेरे में क्या खोट है यार, हंसना गुनाह है क्या, मैंने तेरी कोई चुगली नहीं मारी, हंसना गुनाह नहीं है, ठीक है जा अपनी जाके पढ़ाई कर जा, मैं नहीं करती ये फालतू का बोल बोल क्यों किया तूने, अरे मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी माँ क्यों मेरे को ऐसा कह रही है, जा पढ़ा, तूने बोला बड़े बूढ़े बोलते हैं कि भाई शादी नहीं करने की, ऐसे कौन सा बड़ा बड़े है, बता तो सही कौन सा बुड्ढा है, अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसे तो कभी नहीं बोला, उल्टा बूढ़े लोग बोलते हैं अरे चलो इसकी 12 साल का 15-18 साल का हो गए, शादी कर लो शादी कर लो, ऐसा बोलते, शादी करनी चाहिए, मैं थोड़ी ना बोलता हूँ यार, मैं भी खुश हूँ शादी के बाद, तू भी खुश है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश है, शादी के बाद हम खुश है एक दूसरे के साथ, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है, पढ़ाई कर, नास्तिक क्यों आके बोल रही है, थोड़ा ऐसा रुक ना, बोलने तो दे इंसान को, बस ना बोल दिया अभी जा जाके पढ़ाई, नहीं 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 तू यार तू ऐसे चुगलबाजी यार, लड़कियों के शौक पाले तूने, लड़कियों के कौन से शौक पाले मैंने, लड़कियां गॉसिप करती है, मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन बाकी की जो लड़कियां होती है आंटी टाइप वगैरह, अरे भाई इसने वो किया उसने वो किया, ऐसे कर रहे है तू, नहीं किया मैंने ऐसा, अभी चल रहा है डिस्कशन, मतलब नहीं करना है हम दोनों को, डिस्कशन नहीं है ये, तू मेरे को जवाब दे, मैं चली जाऊंगी, क्या जवाब, मेरे को भी काम है, क्या जवाब दूं, किचन में क्या जवाब चाहिए, ऐसा क्यों बोला तेरे मम्मी को, क्या कहा मैंने मम्मी को, उन्हें ऐसा बोला कि भाई मेरे को मेरी लाइफ झंड हो गई है, झंड झंड वगैरह मैंने कुछ नहीं बोला है, तेरे कान बज रहे हैं, झंड वगैरह मैंने कुछ नहीं बोला है, तो क्या बोला फिर, बस मम्मी हालचाल पूछा, मैंने उसको बताया खाना वगैरह हो गया दोपहर का, मैंने बोला हाँ हो गया, और क्या कहूँ एक्स्ट्रा, बस इतना ही हुआ बोलना, अभी तू मेरे से बात मत करना ठीक है ना, क्यों नहीं, तू बहुत ही हो गया बिल्कुल, क्या हो गया, मेरे को तो लगता है तेरे को कोई दोस्त सिखा के भेज रहा है, कौन सा कोई मुझे दोस्त नहीं सिखा रहा है, और मैं खुश हूँ मेरी शादी की लाइफ से, तू भी खुश है मेरे साथ, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश है, चलो हम साथ साथ है ना, मैं नहीं हूँ अभिजा, इतना सारा बोल तो ऐसा कर रही है, हम आपके है कौन, तो मेरी बीवी है, दूर क्यों भाग रही है,
ऐसा नहीं करना चाहिए, तूने ये फालतू की चुगली अभी देख, आज तेरे को खाना कैसे खिलाती होता है, तुझे बोला ना कि भाई ढंग का नहीं खिलाती है, स्वाद नहीं होता है, अभी देख अच्छा तो पांचट में से पांचट खाना अच्छा देख देख, अभी तू आज का रात का मेन्यू ही देख और खाना ही देख तू खाली, अभी नहीं, नहीं, अभी तू मेरे से बात भी मत कर दो दिन, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बात करने की है, ज्यादा बुरा मत मान, चल मैं आया आया हूँ। दोस्तों बहुत ही मजा आया, उसको बहुत ही गुस्सा आया है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, दोस्तों बहुत ही मजा आया, तो चलो अभी उसको मनाने का है थोड़ा सा, और मिलते हैं फिर एक नए प्रैंक के साथ, ओके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, प्लीज़ 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 प्लीज़।